हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इंफोटेक टेक्निकल क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक क्लास को लेके आया हूँ जो कि आपकी एक रिक्रूटमेंट आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो काफी बड़ी भर्ती निकल के आई है। ठीक है, इसमें आईटीआई स्टूडेंट्स भी हैं, डिप्लोमा के लिए भी है, एंड जो जिन स्टूडेंट ने डिग्री कर लिया उनके लिए भी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाए तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, काफी अच्छी वैकेंसीज निकल के आई है इसमें भारतीय वायुसेना में। ठीक है, तो देखिए कार्तिक सोनोवर बोले सर अप्लाई करते हैं। देखिए चलिए पढ़ते हैं, अभी इसके बाद देखते क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भारतीय वायुसेना ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे हूं मैं। वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है, तो मैंने ओपन करी है बट अभी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट मैं एक बार पेन खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एंड सिविलियन की पोस्ट निकले, ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन आईएएफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो देखिए आपके अलग अलग इसमें यूनिट में वैकेंसी निकाली गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यू दिल्ली की है, ये आपके श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की है। तो देखिए अलग अलग उसमें अलग अलग वैकेंसीज दी गई। ठीक है, तो इतनी चीज मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस किस पोस्ट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ, तो फिर भी मैं आपको एक झलक दिखाता चलूंगा। तो देखिए ये आपका न्यू दिल्ली से, अंबाला कैंट से है, जालंधर से है। ठीक है, तो मतलब जितने भी डिवीजन होते हैं और इंडियन एयरफोर्स जितने भी हेडक्वार्टर है, जितने भी इनकी ब्रांचेस है, जहां जब वहां से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा वैकेंसी, मतलब हर जगह से ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन टोटल जब आप कंबाइन करेंगे तो 1515 वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो मैं आपको लेके चलूंगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ओर, ये किस किस पोस्ट के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो देखिए काफी ज्यादा मतलब अलग अलग वहां से वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने ज्यादा डिवीजन हैं जहां से वैकेंसी सब निकाली गई। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको दिख जाएगा। एज मैं सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया बता देता हूँ, 18-25 रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, देन अगर आप एससी ओबीसी में आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है, यहां से आप लोग देख सकते हैं ओबीसी में 3 ईयर की रिलैक्सेशन है, एंड एससी एसटी में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 10 ईयर की आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सर्विसमैन के भी रिलैक्सेशन दे रखा है, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की और मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए ये आगे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। तो देखिए सबसे पहली जो यहाँ वैकेंसी सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या मांगा, ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पे आपसे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है, देन यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और देन देखिए यहाँ पे डिजायरेबल दे रखा है, तो ये आपके पास हो नहीं हो तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, तो डिजायरेबल में ये होता है आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। देन स्टेनोग्राफ 2 की यहाँ पे वैकेंसी है, उसमें क्या मांग रहा है, आपके 12th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, देन आपके पास स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आपके 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स होने चाहिए, देन 50 मिनट्स 65 में इन हिंदी में होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइपिंग मांगी है, स्टेनोग्राफर का कोर्स होता है, देन जो उन स्टूडेंट्स के लिए। देन लोअर डिवीजन कलर की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए, देन आपके पास 25 वर्ड्स पर मिनट का आपके पास इंग्लिश की टाइपिंग, आप वहां पे जब आपका स्किल टेस्ट होगा तब आप इतने जो वर्ड्स होंगे एक मिनट में टाइप करेंगे, देन आप क्वालिफाइड माने जाएंगे उसमें। ठीक है, तो और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो देखिए देन नेक्स्ट पोस्ट आपकी हिंदी टाइपिस्ट की। ठीक है,
हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर आपकी, जिसमें आपके पास 12th पास मांगे गए, देन आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी के जो वर्ड होंगे 30 वर्ड्स पर मिनट, एंड इंग्लिश के जो वर्ड होंगे आपके वो 35 वर्ड्स पर मिनट होंगे वहां पर, ठीक है। देन स्टोर कीपर की वैकेंसी निकाली गई है, जहां पे आपके पास 12th क्वालिफिकेशन मांगा गया है एंड डिजायरेबल में एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है, हैंडलिंग एंड स्टोर का, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है, देन उसमें आपके पास क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब 10th मांगी गई है, ठीक है। मस्ट बी होल्ड अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल मस्ट, ठीक है। लाइट एंड हैवी व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, देन प्रोसेस प्रोफेशनल स्किल इन ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल, देन आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग व्हीकल्स में, ठीक है। देन आपके पास कुक की पोस्ट निकाली गई है, देन कुक में आपके पास क्या आपसे 10th मांगे एंड बोर्ड विद अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन केटरिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, केटरिंग में डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। देन पेंटर की वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर क्या रखा है आपके पास 10th होनी चाहिए, देन पेंटर से आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं आपके पास, तो देखिए देन पोस्ट है कारपेंटर की, देखिए कारपेंटर में आपसे क्या मांगा है, जिन भी स्टूडेंट के पास 10th है देन उन्होंने कारपेंटर से आईटीआई कर रखी, देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है, ठीक है। और ये आया, ठीक है, आया की पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या रखा है, मैट्रिकुलस पास और इक्विवेलेंट, मतलब अगर 10th होना चाहिए, डिजायरेबल में रखा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन ये हाउस कीपिंग फीमेल सफाई वाला, ठीक है, फीमेल के निकाली गई हाउस कीपिंग की, यहाँ पर 10th मांगा गया है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके हाउस कीपिंग एचकेएस स्टाफ, ठीक है, देन इसमें क्या आपके पास 10th होनी अनिवार्य है, 10th यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका लॉन्ड्रीमैन के लिए भी आपके पास 10th होना अनिवार्य है एंड 1 ईयर का डिजायरेबल जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस रखा गया, अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल रखा गया वो, ठीक है। तो देखिए मैथ स्टाफ में आपसे क्या मांगा गया है, मैट्रिकुलस मांगी गई है, 10th वाले जो स्टूडेंट है वो मैथ स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास डिजायरेबल रखा गया है यहाँ पर। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ जो रखा गया है इसमें आपकी कितनी है, 10th क्लास मांगी गई है, देन अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डिजायरेबल में रखा गया, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप उसमें अप्लाई नहीं करें, ठीक है। वोल्केनाइजर की वैकेंसी निकाली गई, इसमें भी आपके पास 10th मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेड, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए भी इस पोस्ट में वैकेंसी जो रिजर्व है वो रखी गई है, ठीक है। देखिए कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं अभी, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा कमेंट आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेलर की पोस्ट भी निकाली गई है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टेलर स्किल, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, देन टेलर की ट्रेड से आपके आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। देखिए टेलर पोस्ट की वैकेंसी काफी कम निकलती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई टेलर के लिए, 10 प्लस आईटीआई आपके पास टेलर से होनी चाहिए। देन आपके पास टिन स्मिथ की वैकेंसी निकाली गई है, आपके 10th होनी चाहिए एंड टिन स्मिथ से आपके आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, अनिवार्य है यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ठीक है। कॉपर स्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पे आपके पास 10th होनी चाहिए, देन आपके पास आईटीआई होनी चाहिए आपके कॉपर स्मिथ एंड शीट मेटल वर्कर, आपका किसी भी उसमें आपके पास यहाँ पे कॉपर स्मिथ में हो या फिर शीट मेटल वर्कर में आपका आईटीआई है, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते देखिए फायरमैन की यहाँ पे निकल के आई है, तो देखिए फायरमैन में क्या मांगा गया, आपके पास 10th क्लास होना चाहिए एंड मस्ट बी अंडरगो ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग, ठीक है, आपके फायर फाइटिंग का कोर्स होता है वो आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। मस्ट बी कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ मेंटेनेंस ऑल टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर का आपके यूज करना आना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके, ठीक है। तो यही सब यहाँ और आपका फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए उसी के हिसाब से जो रखी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके, देखिए नेक्स्ट है फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, देन आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए एंड मस्ट एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैवी ड्राइविंग व्हीकल एंड बी पोजेसिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है, आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। एंड मस्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ कैपेबल परफॉर्मेंस टेनिस ड्यूटीज एंड मस्ट पास द टेस्ट, आपको टेस्ट भी फिजिकल जो उनके द्वारा जो ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा वो भी आपको पास करना अनिवार्य रखा गया वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए यहां पर आया FMT फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट,
ठीक है, काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये हम फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ट्रेड मेंशन करी है आईटीआई के लिए वो फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ये भी एक ट्रेड होती है फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, व्हीकल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होती है, ठीक है। देन आप अगर आपने FMT फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से आईटीआई कर रखी है देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और देखिए ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी आई है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडमैन मेट में आपके पास 10th मांगा गया, ठीक है। जैसे कि अभी इंडियन नेवी में भी ट्रेडमैन की वैकेंसी आई थी वहां पर 10th और आईटीआई मांगा गया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ आईटीआई यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सॉरी 10th क्लास मेंशन किया हुआ थी, जिन भी स्टूडेंट ने 10th क्लास कर रखे वो ट्रेडमैन मेट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो चलिए और कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। तो देखिए लेदर वर्कर, ठीक है, लेदर वर्कर 10th क्लास एंड आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ट्रेड ऑफ लेदर गुड मेकर फ्रॉम ए रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेदर गुड मेकर की आपको आईटीआई होनी चाहिए, अगर आपके पास इसकी आईटीआई है देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका टर्नर, देखिए टर्नर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, देन 10th आपके पास, देन आपके पास आईटीआई भी होनी अनिवार्य है, ठीक है। 10th एंड आईटीआई अगर आपको टर्नर ट्रेड में कर रखी है देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक, ठीक है, अगर आपने वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक से आईटीआई कर रखी है देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो भी स्टूडेंट ने इस बेस पर आईटीआई कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। देन कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें जैसे एमटीएस होगा उसमें 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रीटमेंट मेट होगा उसमें 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट लगे तो हम पूछ सकते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फीस कोर्ट ने टर्म ऑफ एज लिमिट मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट देयर आफ्टर द एलिजिबल विल इशू कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा आपका, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटर्न टेस्ट, द रिटर्न टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब रिटर्न टेस्ट जो होगा उसका लेवल क्या रहेगा, जो आपके पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया वो लेवल वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट विल बी कंसिस्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग होगी आपकी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश होगा एंड जनरल अवेयरनेस होगा, ये चार चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। द क्वेश्चन का आंसर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, जो एग्जाम पेपर होगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेरिट, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा देन आपको स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जो भी होगा उसके लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट और बेइंग फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब आपका सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट के देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट डेट रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश ऑन द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग जो डेट हो गया एडवर्टाइजमेंट की उससे 30 दिन तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 30 दिन की दिन रखे गए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना, आपको एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई अबव द एज फॉर स्टेशन ऑफ द चॉइस सब्जेक्टिव ऑफ द वैकेंसी क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अंडर द टाइप इन हिंदी एंड इंग्लिश Delhi supported with the following document to reach concerned Air Force Station choice within 30 days from the last date of the publication address employment news रोजगार समाचार, ठीक है। आपको फॉर्म को भरना है, ऑफलाइन फॉर्म है, देन आपको वहां पे भेजना है, ठीक है, जिस भी डिवीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे, ठीक है। देखिए ऑल डॉक्यूमेंट सपोर्टिव एज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल हैंडीकैप एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपको सेल्फ टेस्ट करके उसके साथ लगा के भेजना अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं मेन कुछ अगर होता है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, देन COVID-19 से इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं आपके पास, तो देख लीजिएगा आपको क्या दे रखा है। आपको कोई भी बीमारी होगी देन मे नॉट बी अलाउड, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको COVID-19 कोई भी सिम्टम होगा, जुकाम होगा, खांसी होगा या फीवर होगा तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया आपको, इसको प्रिंट निकलवा के इसको फॉर्म को अप्लाई करके फॉर्म को ऑफलाइन भेजना है यहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है।
ठीक है, ये सब चीज आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चीजें मैंने बता दी क्या क्या आपको लगाना है, साथ में एक बार आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, ठीक है, देन इस पूरे फॉर्म को आपको अच्छे से भर के अच्छे से उनको भेजना है, कोई भी चीज मिस मत करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिटर के लिए पोस्ट यहाँ पे नहीं रखी गई है, वेल्डर के लिए भी नहीं है, देखिए आप पीएड स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिटर की पोस्ट नहीं रखी गई, वहां पर मेंशन किया है फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, फिटर वहां पे पोस्ट एलिजिबल नहीं रखी गई है, फिटर ट्रेड नहीं रखे गए वहां पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, यही थी जो मेन जो इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपके लिए लेके आया था, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस फॉर्म को प्रिंट करवा के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, थैंक यू।